आप अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो टाइम मैनेजमेंट कैसे आपको करना है, क्या उनकी एक स्ट्रैटेजीज रहती है, आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे। Hi, myself Yukti, Masters in Political Science, and currently I'm working with Plutus IAS as a career psychologist. So today I'm here to discuss a very important topic कि आप अगर UPSC की preparation कर रहे हो तो time management कैसे आपको करना है, क्या उनकी एक strategies रहती है, आज हम इस video में ये discuss करेंगे। तो आपका जो video, आज की video का जो एक proper एक topic रहेगा, वो आपका रहेगा ऑप्टिमाइजिंग टाइम इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट। ठीक है, तो आपका इसका इंट्रोडक्शन रहेगा। वेलकम टू द प्रेजेंटेशन ऑन ऑप्टिमाइजिंग टाइम फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट। आज का वीडियो का ये हमारा इंट्रोडक्शन है कि वेलकम टू द प्रेजेंटेशन ऑन ऑप्टिमाइजिंग टाइम फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट। वी विल एक्सप्लोर इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज to manage time and productivity in your UPSC preparation journey. तो first जो आपका रहेगा वो आपका रहता है कि आप अगर एक, मैं एक normal आपको एक समझाती हूँ कि अगर आप एक subject से start कर रहे हो, जैसे for example I am a UPSC aspirant, मैंने उसको करा कि हाँ मैं पहले polity start करती हूँ, then उसके बाद मैं अपना second subject ले रही हूँ history, but ये हमें कभी नहीं करना। अगर आप ये करोगे तो आप polity की revision कब करोगे? तो हमेशा जो आपको करना होता है कि पहले आप उस सब्जेक्ट को लो जो हाई रेल सब्जेक्ट्स होते हैं, जिससे क्या होगा, पहले आपने उसको पढ़ा, देन उसके बाद आप उसकी रिवीजन करोगे, देन उसके बाद आप अपना सेकंड सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हो। इससे क्या होगा, आपका आपका एक स्टडी का स्केड्यूल बनता है जो आप ऑर्गेनाइज योर टाइम इफेक्टिवली, मतलब आप अपने टाइम को बहुत इजीली मैनेज कर पाओगे। तो ये आपका हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो आपका रहेगा, इनकॉर्पोरेट एक्टिव लर्निंग। इनकॉर्पोरेट एक्टिव लर्निंग मेथड्स आपको यूज करने हैं, मींस जिसमें आप ये नहीं कि आप मेथड सच एज माइंड मैप्स, इसमें ये नहीं कि आप अपना बहुत ज्यादा एक टाइम यूटिलाइज कर रहे हो कि हाँ मैं ऐसे स्केड्यूल को कर लूंगा, देन इसको मैं ऐसे कर लूंगा। आपको ज्यादा फोकस क्या करना है, आप फोकस करोगे जैसे मेरा हिस्ट्री कंप्लीट हो गया, मैंने उसकी रिविजन भी कर ली 2 से 3 बार, देन उसके बाद मैं अपनी प्रैक्टिस कहाँ करूंगी, मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स को अटेम्प्ट करूंगी। इससे क्या होगा, मैं अपने पहला चीज होगा कि अपने टाइम को मैनेज कर लूंगी, दूसरी चीज क्या होगी कि आपको पता चल जाएगा कि फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, देन क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, आपको क्वेश्चन की डिमांड क्या पूछी गई है, देन नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या होगा, देन स्ट्रक्चर क्या होगा। इससे आपकी ये बहुत ज्यादा एक हेल्प करती है। थर्ड जो आपका रहेगा, थर्ड पॉइंट जो रहता है आपका, अवॉइडिंग टाइम वेस्टर्स, कि आपको अपने एक टाइम को अवॉइड कैसे करना है, जिसमें आप डिस्ट्रैक्शंस हो जाती है सच एज आप यूज ऑफ सोशल मीडिया हो गया, अननेसेसरी मल्टीटास्किंग एप्स को आप यूज कर रहे हो, जिससे आपका क्या होता है, एक टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो आपका जो थर्ड पॉइंट है कि आप इसको अवॉइड करो, जितना हो सके अवॉइड करो। ठीक है, आप टाइम ब्लॉकिंग स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हो जो आपकी हेल्प करता है स्पेसिफिक टाइम स्लॉट्स फॉर फोकस स्टडी। टाइम ब्लॉकिंग क्या है, जो आपकी हेल्प करेगा, किसमें हेल्प करेगा, स्पेसिफिक टाइम स्लॉट्स फॉर फोकस स्टडीज। तो आप ये मेथड एक यूज कर सकते हो। अब इसके साथ एक और मेजर जो हमारा इस वीडियो का, इस यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए एक मेजर पॉइंट रहेगा, जो जैसे फॉर मैं भी हूँ
तो मैं पढ़ रही हूँ, मैं रिविजन कर रही हूँ, देन मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, बट मैं अपने आप को और अपनी बॉडी को एक हेल्थ, एक रेस्ट नहीं दे पा रही। तो आपके लिए आपको अपनी हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस रखना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप पूरा पूरा टाइम अपनी स्टडीज में लगा रहे हो, अपनी बॉडी में नहीं लाइक ध्यान दे रहे, प्लस आप रेस्ट नहीं ले रहे, आप प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे, इससे क्या होगा, आप आगे पढ़ ही नहीं पाओगे। इवन जो पढ़ा भी होगा वो आपका वो भी स्किप हो जाएगा। तो इसलिए आपका क्या रहेगा कि आपको हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस को भी एक मैनेज करना है, जिससे क्या होगा, मेंटेन अ बैलेंस रूटीन, जो आपको रेस्ट लेना है, एक्सरसाइज करनी है, इससे टाइम मैनेजमेंट भी होगा, इससे आप अपना एक एटलीस्ट ब्रेक भी लोगे। ऐसे नहीं कि पूरा दिन मुझे अपनी स्टडीज में लगाना है और उसके बाद कुछ नहीं। आप अपना, आपके जो पर्सनल हॉबीज भी है आप वो भी करिए, इससे क्या है आप एक फ्रेश रहोगे। और फ्रेश माइंड से तो आप लोगों ने तो सुना ही होगा, फ्रेश माइंड से अगर स्टूडेंट पढ़ता है ना तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से याद होती है। तो हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट, नॉट फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट, एवरीवन, सबके लिए। एट द एंड कंक्लूजन, इन कंक्लूजन, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, रीजन फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट टू अचीव सक्सेस बाय इंप्लीमेंटिंग दीज स्ट्रैटेजीज You can optimize your time and enhance your overall preparation. तो at the end conclusion में ये time management strategies क्यों जरूरी है आपके लिए for UPSC aspirant के लिए, reason इससे क्या होगा आपका इससे you can optimize your time and enhance your overall preparation. सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आपको इस वीडियो से बहुत इंफॉर्मेशन मिली भी होगी। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल।